अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ वाइट चनों की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले चनों को जो है बॉईल कर लेंगे कुकर में। तो चने जो है उनको पहले से भिगो के रखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले ऑयल ऐड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज। यहाँ मैंने लिए थे 3 मीडियम साइज के प्याज। यहाँ पर प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 खाने का चम्मच ऐड करेंगे। अब हम इसकी भराई करेंगे इस तरह से। अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटरों का पेस्ट। यहाँ मैंने लिए हैं 5 मीडियम साइज के टमाटर। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और जीरा पाउडर। 1.5 चाय के चम्मच ऐड करेंगे नमक। इसमें ऐड करेंगे 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर। 1 चाय की चम्मच ऐड करेंगे सूखा मिर्च पाउडर। आधी चाय की चम्मच ऐड करेंगे काली मिर्च पाउडर। 1 चाय की चम्मच ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दो खाने के चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे दही। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मसाले की जो है अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। अब यहाँ पे मसाले की भुनाई जो है अच्छी तरह से हो चुकी है, तो अब हम इसमें सफेद चने जो है वो ऐड करेंगे। और चने जो है वो देखें अच्छी तरह से गल चुके हैं, ये देखें। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज के आलू, उनको उबाल लिया है, अच्छी तरह से मैश कर लिया है। तो अब थोड़े से जो चने थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, इनको भी मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। अब यहाँ पे चनों की अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे चनों की यखनी। जिस पानी में हमने चनों को बॉइल किया था वो पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से मिक्स करेंगे। ये देखें यहाँ पे ग्रेवी जो उसको 4 से 5 मिनट के लिए हम पकाएंगे। यहाँ पे चनों को जो है मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट के लिए पकाया है। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये जो आलू और चने हमने मैश किए थे ये ऐड कर देंगे। अब इन सब चीज़ों को जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम चनों को जो है लो फ्लेम पे कवर कर देंगे, 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अब यहाँ पे 10 मिनट के बाद चने जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो यहाँ पे थिक ग्रेवी वाले चने जो है वो बिल्कुल रेडी हैं, ये देखें। अब यहाँ पे चने जो है वो बिल्कुल रेडी हैं। तो अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी जो है वो आपको कैसी लगी।